पढ़ावा कैसे है कि कठिन परिश्रम करने के बाद भी बच्चे की फ्री तमाम अभिभावक कैसे है जो आप अपने बच्चे की सौ रुपए की 200 रुपीस नहीं दे पाते। तो मेरा अनुरोध है कि आप किसी तरह से कष्ट मस्त करके अपने बच्चे की फीस की व्यवस्था करते रहे समय समय पर, और बच्चे से जो अपेक्षा आप करते रहे उसकी पूर्ति करते रहे। दूसरी चीज, बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति आप करें। बच्चे को क्या आवश्यकता है, उसकी क्या इच्छा है, तमाम तरह की इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को अगर आप पूरा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता को आप पूरी करें। इसके बाद देश की बात इन्होंने कही, तो जब अध्यापक था और दो चीज मेरे हाथ में दाएं बाएं घूमती थी, एक तो अनुशासन और दूसरा ड्रेस। मैं दो चीज का बड़ा पुजारी था, जो पुराने होंगे कुछ जानते भी होंगे मुझको, या मुझसे पढ़े भी होंगे, पढ़े हुए होंगे वो जानते भी होंगे। दो चीज का पुजारी था, एक तो अनुशासन। जब मैं विद्यालय में था, प्रेयर ग्राउंड में जब खड़ा होता था तो मुझे लाइन सीधी नहीं करानी पड़ती थी, सीधे खड़े हो जाते थे। कारण था कि डरते थे लड़के, शाम दाम दंड भेद सब लगाता था, इसी कारण से बच्चों को मुझे इशारा करना पड़ता था केवल। दूसरी चीज, देश का पुजारी था। जैसा कि आपके प्रधानाचार्य ने कहा कि यहाँ गरीब अमीर का भेदभाव न हो, आज का अभिभावक सबको नहीं, कुछ अभिभावक ऐसे है जो तंग और छोटे पसे पालना करते बहुत महिला वर्ग से अपनी बच्चियों को एक सामान ड्रेस में आप ले जाने देंगे, और प्रयास करें कि वो घर में भी एक सामान उनको कई सामान रखे, क्योंकि मोबाइल चलाना तो जानता नहीं, लेकिन जानना पड़ गया मुझे। मैं बड़ा विरोधी था, ये 6 इंच 8 इंच का मोबाइल लेकर के महिला